नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम, सच के साथ एक कदम। शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार चिल्लू जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और प्रियंका गांधी व सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। संवाददाता प्रताप सिंह आज़ाद के साथ कैमरामैन आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश सचिवों और जिला प्रभारी आगरा, जिस तरीके से जिम्मेदारी चिल्लू जी को दी गई है, क्या उम्मीदें हैं आपकी कि वो कितने खरे उतरेंगे? देखिए, देवेंद्र कुमार चिल्लू बड़े ही युवा और उत्साहित, पुराना अनुभव है संगठन चलाने का, किस तरीके से संगठन चलाना है, किस तरीके से लोगों को जुड़ना है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और अजय कुमार लल्लू जी ने उनका चयन किया है, मैं समझता हूं कि वो अपनी कसौटी पर खरा उतरेंगे। और जिस तरीके से मैं विगत 2 महीने से लगातार आगरा के अंदर आ रहा हूं, मुझे लगता है कि ये छात्रों की, गरीबों की, युवाओं की और मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। देखिए, हाईकमान ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, हम बखूबी इसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। जनता की जो समस्या है, आम जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, उनके लिए सब कांग्रेस जनों को साथ लेकर सड़क पर करके उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे और जनता को सुलभ न्याय दिलाने के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से बीजेपी एक तरफा राज बनाकर बैठ रही है, क्या विपक्ष में आप अपनी मजबूती किस तरीके से दर्शाएंगे? देखिए, मजबूरी विपक्ष में दर्शाना शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं भाजपा जहां 2018 में जिस स्थिति में थी, उससे उसका डाउनफॉल कितना गया है और आज की स्थिति उसकी बहुत कमज़ोर हो गई है। साउथ में इसकी कोई स्थिति है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति कोई है ही नहीं, बस थोड़े 2-4 स्टेट की बात है। यूपी में हमारी बस आवाज़ बुलंद होने लगी है, जनता हमसे जुड़ने लगी है, जनता उनकी नीतियों को समझ चुकी है कि उनके पास हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के अलावा, संविधान को ख़त्म करने के अलावा, लोकतंत्र को ख़त्म करने के अलावा उनका कोई योजना नहीं है। महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जीडीपी हमारी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। उनके पास जब कोई समाधान नहीं होता, देखता है जनता सड़क पर उतरने वाली है, तो कोई ना कोई ऐसा फार्मूला देश की जनता को भ्रमित करने के वो लाते हैं। NRC लाए, BRC ये इस तरीके के लाके जो है जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ले शासन प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर जिस तरह से कटाक्ष बन रही है, उसको लेकर शहर कमेटी को क्या, आप क्या? बिल्कुल उन्हीं के बताए हुए आदेशों पर, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलेंगे। जो उन्होंने हमें लखनऊ में 135वें कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उन्होंने जो हमें सीख दी कि हम लोग हिंसावादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना रहा है, कांग्रेस ने अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे दिन देखे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस जोर शोर से इनकी कुरीतियों का विरोध करेगी, उसके लिए हमें सड़क पर उतरना पड़े, जेल जाना पड़े, जहाँ भी हम तो वाड्रा ये भी कह रही है जनता में जाए, उनकी समस्या को उजागर करें, इसको लेकर कांग्रेस कमेटी बिल्कुल निश्चित रूप से शहर कांग्रेस कमेटी आज के बाद अपने संगठन को बनाने के बाद फिर अपनी योजनाबद्ध तरीके से सड़क पर उतरेगी और अधिकारियों से फेस टू फेस बात करेगी। आज जो समस्या है, आवारा पशुओं से शहर की जनता परेशान है, गांव का किसान परेशान है, महंगाई से लोग परेशान हैं, छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, इस तरीके से गरीबों की, किसानों की मांगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं अपने हाईकमान को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नौजवान को आगरा महानगर की ये कमान सौंपी है और उनका पुराना राजनीतिक अनुभव भी है और आज आवश्यकता थी इस बात की कि आगरा के अंदर एक जुझारू व्यक्ति की के इस प्रशासन से मांग सके जवाब कि जिस तरीके से यहां आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर हज़ारों रुपये का घोटाला, चाहे वो नगर निगम में घोटाला हो, इतना पैसा इन्होंने लिया है स्मार्ट सिटी के नाम पे जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ है और जनता की गाली कमाई जो है इन्होंने बर्बाद की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे वो जातीयता की राजनीति हो, उससे उठकर राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी जहां भ्रष्टाचार है उसको भी उजागर करने के लिए
पीछे नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भाई देवेंद्र चिल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू साहब को जिस तरह से हाईकमान ने अध्यक्ष बनाया है, उससे लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है। कार्यकर्ता घरों से बाहर निकले आया है और मोदी और योगी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं जन विरोधी, उनका हम खुल के विरोध करेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। जनता इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है और हम पूरी ताकत के साथ जनता की समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। क्या है और इस आशा विश्वास के साथ पूरी आगरा को इस संग लेकर चलेंगे और मैं जानता हूँ ये सफल होंगे। मुख्य रूप से जो NPA और NRIC की बात हो रही है, NRIC की बात हो रही है, उस पर हमारा कुछ नहीं कहना है, बराबर डिबेट हो रही है। लेकिन एक बात जरूर हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि यदि उनका, अमित शाह का और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का आपस में सामंजस्य हो और निश्चित रूप से एक राष्ट्र को संदेश देकर वो ये कह दें कि NPA अलग है, NRI से उसका कोई संबंध नहीं है, जनता विश्वास करेगी। और ये इस प्रकार से विभिन्न वक्तव्य आएंगे तो निश्चित रूप से ये असंतुलन बैठेगा जनता में और जनता में अविश्वास आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वो करें और नहीं तो हम सब सड़क पर उतर कर जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, अभी तो किया नहीं है, अब पूरे ताकत के साथ करेंगे। NRIC और NPO को लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जो लखनऊ में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ जो वातावरण और जो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है उसकी घोर निंदा करते हैं और इस आशा विश्वास के साथ कि भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती ना हो शासन प्रशासन के द्वारा। हमें मालूम है मोदी जी और योगी जी का जो विचार है, जो संस्कार हैं, वो तो हैं, लेकिन पुलिस से हम यूपी पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने आचरण का प्रयोग करें और इस प्रकार से गलत राजनीति में न जाएं जिससे कि प्रदेश का वातावरण खराब हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।